रिलेशन जो है 5 इयर्स कंटिन्यू रहा था, बिकॉज मैं अपने साइड से बहुत लॉयल थी। कि प्यार अंधा होता है, जैसे अंधा ट्रस्ट अगर हम लोग करते हैं, धोखा तो खाना ही खाना है उनका। मैंने किसी ने मुझे फिर प्रूफ दिया उनका, मेरे पास एक लाइव वीडियो आया उनका, फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ अभी अपने ही ऑफिस में। उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। उसके कुछ महीने बाद फिर मैं उनसे मिली थी, नो बाद फिर मैंने उनको वो वीडियो दिखाया एंड दैट टाइम ही वॉज जस्ट साइलेंस। मतलब वर्क करने जाते हो अपने ऑफिस में तो ये क्या है, तो बोलता है कि मुझे किसी ने पिला दिया था, मुझे किसी ने ब्लैंक कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ, कब वो लड़की आई। मतलब लिटरली दिख रहा है तुम फिजिकल हो रहे हो, तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड है। तो मतलब अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लग भी रहा है तुम ब्लैंक हो। तो बोल रहा है कि सबकी चाल है और सारी चीज़ें। उसके बाद ब्रेकअप हो गया। जैसा कि आपने वीडियो के प्रोमो में देखा, इंटरव्यू के दौरान काजल राघवानी अपने और खेसारी लाल यादव के रिश्ते का ब्रेकअप कैसे हुआ इस बारे में बता रही हैं। चलिए आपको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। दरअसल इन दिनों काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को लेकर मीडिया में काफी कुछ बयां कर रही हैं, काफी आरोप भी लगा रही हैं और काफी दर्द भी साझा कर रही हैं, काफी सारे राज से पर्दा भी उठा रही हैं। इन सभी के बीच काजल राघवानी अपने और खेसारी के ब्रेकअप पर बात करती हैं। उनका ब्रेकअप कैसे हुआ इस बारे में वो बताती हैं। वो कहती हैं कि हम एक साथ अच्छे थे, खुश थे, 5 साल का हमारा रिलेशन था, उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था, हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे मुझसे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहे थे उनके ही ऑफिस में। तब जाकर मुझे लगा कि जो लोग कहते थे कि वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, वो लोग सही कहते थे। मेरा ही प्यार अंधा हो गया था, मैं उनके प्यार में कहीं खो गई थी, सही गलत की समझ नहीं थी मुझमें उस समय, शायद मुझसे गलती हो गई उन्हें जानने में, उन्हें समझने में। तो इस तरह से काजल राघवानी ने बताया कि वो वीडियो देखने के बाद वो एक महीने बाद खेसारी लाल यादव से मिलती हैं और वो वीडियो क्लिप उनसे दिखाकर पूछती हैं कि अगर आप ऑफिस काम करने जाते हैं तो ये क्या है। इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया, लड़की कब आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ याद नहीं है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ धोखा हुआ है। इस पर काजल राघवानी कहती हैं कि वीडियो में कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि आप नशे में हैं या आप ब्लैंक हैं या आप भोले भाले हैं, आपके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है या आप होश में नहीं हैं। तो इसके बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, हो सकता है तुम्हें भड़काने के लिए लोग ऐसा कर रहे हों, हो सकता है कि फंसाया जा रहा हो मुझे। इस पर काजल राघवानी अब उनके झांसे में नहीं आती हैं, उनके झूठ पर भरोसा नहीं करती हैं और वहीं उसी वक्त खेसारी लाल यादव से ब्रेकअप कर लेती हैं और वो दोनों फाइनली अलग हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक ना वो दोनों एक दूसरे से बात किए हैं, ना एक दूसरे से मिले हैं, ना एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, ना एक दूसरे के साथ काम किए हैं। तभी से काजल खेसारी टोटली अलग हो गए हैं और प्रोफेशनली भी वो एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किए। इस वजह से काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का ब्रेकअप हुआ था, इस वजह से उनका 5 साल का रिश्ता टूट गया था, इस वजह से उनकी जोड़ी रातों रात खत्म हो गई। लेकिन इस ब्रेकअप पर खेसारी लाल यादव ने कुछ और ही बताया था। उनसे पॉडकास्ट के दौरान पूछा गया था, शुभांकर मिश्रा ने पूछा था कि आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, तो इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उन्हें लगता था कि अब उन्हें नए लोगों के साथ काम करना है, मुझे भी लगता था कि नए लोगों के साथ काम करना है और लोग भी चाहते थे, हमारे इंडस्ट्री के लोग भी चाहते थे कि हम नए आर्टिस्ट को मौका दें, एक ही के साथ काम करने से टैग लग जाता है जो लग भी चुका है, तो हमने इस वजह से अलग होने का फैसला लिया। वो नए स्टार्स के साथ काम करने लगी, मैं नए स्टार्स के साथ काम करने लगा, इससे नए लोगों को मौका मिला और जो टैग लगा था मेरे ऊपर कि काजल खेसारी, वो भी हट गया। तो इसलिए हमारा ब्रेकअप हुआ, हम अलग हो गए ताकि हम अपने अपने लाइफ में और अच्छा अचीव कर सके और आगे बढ़ सके। तो काजल राघवानी की तरफ से ब्रेकअप की ये कहानी थी और खेसारी लाल यादव की तरफ से ब्रेकअप की ये कहानी थी। अब आपको कौन सी कहानी झूठी और कौन सी कहानी सच्ची लगती है, अपनी राय हमें कमेंट करें। और काजल राघवानी के सपोर्ट में हैं आप या फिर अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में हैं, ये भी हमसे साझा जरूर करें। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे भोजपुरी के तमाम गॉसिप्स भरे खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।